Hello, my dear friends. I am back with another class on proverbs. And uh, after this class, I am going to deal with international proverbs which are frequently asked during examination. Okay. So let's begin with number 41. Till number 40, I have already done in my two videos. So please go through those videos and the video link I'll provide in the description box. Okay. So let's begin with today's class. नंबर फोर्टी वन बैड न्यूज़ ट्रेवल्स फास्ट बुरी खबर बहुत जल्दी फैलती है बैड न्यूज़ यूजुअली इंक्लूड्स अनाउंसमेंट्स अबाउट डेथ इलनेस एंड एक्सीडेंट्स फॉर सम रीज़न पीपल टेंड टू पास बैड न्यूज़ क्विकली टू ईच अदर सो एज सुन एज मिसफॉर्चून हैपन्स एवरी वन नोज़ अबाउट इट फ्रेंड्स पीपल स्प्रेड बैड न्यूज़ वेरी क्विकली जो बुरी खबर है वो बहुत जल्दी फैल जाती है इसी की वजह से बुरी इसी की वजह से जब बुरा कुछ होता है किसी के साथ तो वो खबर जल्द से जल्द सोसाइटी में फैल जाती है और इसमें इंक्लूड होता है डेथ किसी की बीमारी या फिर किसी का एक्सीडेंट जो एक्चुअल एक्सीडेंट विक्टिम है उसके घर वाले बाद में जानेंगे लेकिन सोसाइटी पहले जान जाएगा ठीक है तो ऐसा केस होता है इसमें बैड न्यूज़ ट्रेवल्स फास्ट लेट्स सी द एग्जाम्पल आई कैन नॉट हाइड माई फेल्योर आफ्टर बैड न्यूज़ ट्रेवल्स फास्ट ओके मैं अपनी फेल्योर को नहीं छुपा सकती या सकता क्योंकि गलत खबरें बहुत जल्दी ट्रैवल करती है अभी तक तो मेरे फैमिली मेम्बर्स को पता भी चल गया होगा कि ये फेल हुआ है ओके लेट्स मूव टू फोर्टी टू बेटर दैन नेवर देर से आए दुरुस्त आए इसका हिंदी में ट्रांसलेशन ये होगा इट इज़ मच बेटर टू डू समथिंग लेटर स्पेशली एन इम्पॉर्टेंट टास्क और एन एक्ट ऑफ काइंडनेस दैन नाट डू इट एट ऑल कुछ अच्छा करना है तो आप लेट से भी शुरू कर सकते हैं ठीक है लेकिन अगर आप टोटली नहीं करते अच्छा काम या फिर कुछ सीखने के लिए जो ज्वाइन करना है कोई कोर्स वगैरह अगर वो लेट से करते हैं तो ठीक है लेकिन आप करते ही नहीं हैं तो आपका ग्रोथ भी नहीं होगा इसलिए देर से आए दुरुस्त आए देर से भी किया तो आपने सही किया ठीक है अभी कोई भी अच्छे काम के लिए कभी लेट नहीं होता है ना तो इसी को हम लोग यहाँ पे देखते हैं बेटर लेट दैन नेवर सी जॉइंड जुम्बा बा टूडे आई टोल्ड हर इट्स बेटर लेट दैन नेवर जुम्बा क्लासेस किसी ने ज्वाइन किया और उसके कोच जो है उसने कहा कि बहुत अच्छा किया कि आपने जुम्बा ज्वाइन कर लिया इट्स लेट इट्स बेटर लेट देन नेवर आपने शुरुआत तो की एटलीस्ट देर से ही सही लेट्स मूव टू फोर्टी थ्री डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच डोंट काउंट द चिकन्स डोंट काउंट योर चिकन्स मतलब आपके पास अंडे हैं लेकिन आ, वो अंडे बाद में जाके चूज़े बनते हैं या नहीं ये तो किसी को नहीं मालूम जब तक वो चूज़े नहीं बन जाते जब तक वो अंडे तोड़ के बाहर नहीं निकल आते सही सलामत आप नहीं कह सकते कि आपके पास कितने चिकन्स होंगे ठीक है इसलिए आपके पास सपोज़ पांच अंडे हैं तो आप ये कंफर्म नहीं कर सकते कि आपके पास पांच ही चूज़े होंगे जो कि बाद में जाके चिकन्स बनेंगे मुर्गी बनेंगे ठीक है तो इसका हिंद इंग्लिश में मीनिंग देख लेते हैं यू शुड वेट टू सेलिब्रेट योर सक्सेस आपको वेट करना है अपना सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए पहले कन्फर्म करना है ठीक है अनटिल इट एक्चुअली हैपन्स पहले इसको कन्फर्म करना है पहले इसको होने देना है उसके बाद में आप इसके सेलिब्रेशन इससे इसके लिए सेलिब्रेशन कर सकते हैं इनफैक्ट Something might go wrong and you will not receive the reward you were hoping for. In this case, you will face a huge disappointment. अगर हम लोग सोचते ki कि to ande अंडे में से hi ही निकलेगा matlab मतलब अंडा ke nikalna निकलना ठीक है अंडा ke nikalne निकलने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं of an egg right to तो अगर हम सोचते हैं कि मेरे पास पांच अंडे हैं तो पांच ही चूज़े बनेंगे और बाद में जाके मान लीजिए किसी वजह से सिर्फ दो चूजे आए तो मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगा इस डिसअपॉइंटमेंट को अवॉइड करने के लिए मैं एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखूँगी कि मेरे पास पाँच के पाँच चिकन्स होंगे ठीक है मैं जस्ट इतना सोचूँगी कि हाँ चूजे निकलेंगे, कितने निकलेंगे इसका श्योरिटी मैं फ़िलहाल नहीं सोचूँगी ओके लेट्स द एग्ज़ाम्पल वी विल विन दिस कॉम्पिटिशन श्योरली बट वी शुड नॉट काउंट आवर चिकन्स बिफोर दे हैच अगर किसी को किसी कंपटीशन में भाग लेने जाना है और उन लोगों को पता है कि उन्हीं लोग जीतेंगे लेकिन फिर भी उन लोगों को ये नहीं सोचना है कि उन्हीं लोग जीतेंगे दे शुड नॉट काउंट ऑन द चिक्स बिफोर दे हैच ओके उनको ये श्योरिटी नहीं देना है कि हम उन्हीं लोग जीतेंगे क्योंकि कॉम्पिटिशन में कुछ भी हो सकता है उनके कॉम्पिटिटर्स उनसे भी ज़्यादा दमदार होंगे तो वो तो हार जाएंगे ना तो डिसअपॉइंटमेंट होगा इसलिए सब्र करके रहना है जब तक कि हाथ में सर्टिफिकेट और मेडल्स नहीं आ जाए ओके नेक्स्ट इज डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर इसका तो एक एडवर्टाइजमेंट भी है ना जिससे हम लोग को क्लियर होता है कि किसी भी चीज़ को ऊपरी सुंदरता से या ऊपरी अपियरेंस से ठीक है जैसे उन लोग देखते हैं वैसे उसके बेसिस जैसे वो दिखते हैं उसके बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए यू शूड नॉट मेक योर जजमेंट्स बेस्ड ऑन दी अपेयरेंस ऑफ अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट इनफैक्ट दी आउटर लुक में ओनली गिव अस सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन जो भी चीज़ हम लोग देखते हैं या फिर जो भी इंसान से हम लोग मिलते हैं उनके बनावट से पहनावे से या जैसे वो बाहर से दिखते हैं उससे जज नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बस हमको सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन देते हैं राइट right. लेकिन जब हम लोग उनके साथ रहते हैं उनसे मिलते जुलते हैं तब पता चलता है कि उन लोग चीटर्स हैं या फिर अच्छे इंसान हैं एंड समटाइम्स इट इज़ डिसीविंग बिकॉज़ इट कैन नॉट बी इट कैन बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द इनर क्वालिटीज़ यहाँ पे देखिए हो सकता है कि हम किसी स्मार्टली अप लोग को बिलीव कर लें और बाद में वो चीटर्स निकल जाए और हो सकता है कि कोई शाबी ड्रेस में है गंदा मेला कुचैला ड्रेस में है लेकिन वो बहुत बड़ा इंसान हो है ना तो इसलिए डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर बुक का कवर अच्छा है बोल के आप नहीं बोल सकती कि बुक भी अच्छा है ओके ही लुक्स शाबी शाबी मतलब बहुत ही डर्टी मैला गंदा ठीक है मैला कुचैला ही लुक्स शाबी विल ही क्रैक द इंटरव्यू वेल वी cannot नॉट जज book बाई इट्स कवर यहाँ पे देखिए दो लोगों का कन्वर्सेशन है एक का क्वेश्चन है और दूसरे का आंसर किसी इंसान को देख के किसी ने बोला कि वो तो दिखने में बहुत गंदा मेला कुचेला है तो क्या वो इंटरव्यू क्रैक कर पाएगा इंटरव्यू में आ, पास हो पाएगा तो दूसरा बोलता है कि हम लोगों को काम से काम रखना मतलब काम से मतलब होना चाहिए न कि उसके अपियरेंस से अगर उसको काम करना आता है तो ऑबियसली वो इंटरव्यू क्रैक करेगा अगर नहीं तो नहीं करेगा इसलिए उस जो मेला कुचेला है बोल के हम लोग उसको जज नहीं कर सकते कि वो काम भी नहीं आता उसको ठीक है नेक्स्ट नंबर इज फोर्टी सेवन डोन्ट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट सभी अंडे एक ही बास्केट में नहीं रखना चाहिए क्योंकि अगर वो बास्केट गिर के टूट गया तो क्या होगा सभी अंडे टूट जाएंगे इसीलिए अंडे को अलग अलग रखना चाहिए इसका मतलब है जो इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं ठीक है स्पेशली ये इन्वेस्टमेंट के लिए ही होता है जो इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं वो एक जगह ही नहीं रखना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके दस जगह या पाँच जगह रखना चाहिए ताकि एक से अगर लॉस भी होता है तो दूसरे से प्रॉफिट हो सकता है और हम लोग का जो फेलियर हुआ है दूसरे इन्वेस्टमेंट से उसको कोप अप कर सकता है ठीक है यू शुड नॉट मेक एवरीथिंग यू हैव डिपेंड ऑन वन सक्सेस आप जो भी करते हैं वो एक जगह या एक चीज़ के लिए या एक मोटिव से नहीं करना चाहिए उसको डिवाइड करना चाहिए योर रिस्क शुड भी डाइवर्सीफाइड किसी भी फील्ड में मैंने आपको इन्वेस्टमेंट का एग्जाम्पल दिया लेकिन ये आप दूसरे में भी यूज़ कर सकते हैं अपना जो रिस्क है वो डाइवर्सीफाइड होना चाहिए मतलब बहुत जगहों पर होना चाहिए ठीक है ताकि एक जगह लॉस हो तो दूसरे जगह प्रॉफिट मिले हम लोगों का जो भी प्रॉब्लम हो वो बहुत सारे लोगों के कंट्रीब्यूशन से सॉल्व हो सके ना कि सिर्फ एक इंसान के क्योंकि एक इंसान पे डिपेंड होने से होगा कि अगर वो नहीं काम करेगा तो हम लोग वो काम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे ठीक है अदरवाइज यू विल लूज़ एवरीथिंग इफ द सब इफ़ द प्रोजेक्ट फेल्स किसी प्रोजेक्ट में आपने अगर पैसा लगाया और वो प्रोजेक्ट फेल हो गया तो वो पूरा पैसा आपका चला जाएगा लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आप दो चार प्रोजेक्ट में लगाते हैं तो एक में लॉस होगा तो दूसरे में प्रॉफिट होगा ठीक है इसका मतलब यही है लेट्स सी द एग्जांपल ही लॉस्ट हिज सेविंग्स इन अ फ्रॉड कंपनी आई हैड टोल्ड हिम नॉट टू पुट ऑल हिज एग्स इन वन बास्केट उसने फ्रॉड कंपनी में पैसा लगाया और डूब गया मैंने उसको बोला था कि सभी अंडे एक बास्केट में मत रखो सभी इन्वेस्टमेंट एक जगह मत करो नेक्स्ट इज़ 48 इजी कम इजी गो जो चीज़ आसानी से मिलता है वो आसानी से वापस जाता भी है जो कठिनाई से मिलता है वो लग हथपत जाता नहीं है इफ़ यू रिसीव्ड समथिंग विदाउट पुटिंग टू मच एफर्ट इनटू इट यू मे लूज इट एज एफर्टलेसली एज यू ऑपटेंड इट एंड पर इवन विदाउट एनी रिग्रेट जो आसानी से मिल जाता है उसको घुमाने में कोई रिग्रेट भी नहीं होता है जबकि जो हम लोग हार्डवर्क से कमाते हैं उसके लिए उसको जाता भी नहीं है पहले तो अगर जाता भी है तो बहुत दुख होता है ठीक है और मैक्सिमम केसेस में वो जाता नहीं है क्योंकि जो हम लोग हार्डवर्क से या फिर वेट करके मिलता है उसको हम लोग केयर करके रखते हैं प्यार करके रखते हैं केयर करके रखते हैं संभाल के रखते हैं जिसकी वजह से वो सेल्डम इट पार्ट्स फ्राम अस पीपल हैव बिकम सो मॉडर्नाइज दे कम ईजीली एंड दे गो ईजीली यहाँ पे देखिए लोग जो हैं वो इंसान के ज़िंदगी में आते हैं और जाते हैं इस ये मॉडर्नाइजेशन की वजह से है लोग का आना जाना लोगों के लाइफ में ये आम बात हो गई है न आने से किसी की खुशी होती है ना उनके आने से किसी को खुशी होती है ना उनके जाने के बाद कोई गम होता है तो ये सब मॉडर्नाइजेशन की वजह से हुआ है क्योंकि लोग ज़िंदगी में आसानी से आ जाते हैं और आसानी से निकल भी जाते हैं और रोरिंग लाइन किल्स नथिंग गरजने वाले शेर बरसते नहीं मतलब गरजने वाले गरजने वाला जो शेर है वो कोई शिकार नहीं करता सिर्फ बोलने के आदि होते हैं प्रैक्टिकली कोई काम नहीं करते माने है यू वॉन्ट अकम्पलिश योर गोल्स बाई टॉकिंग अबाउट दैम सिर्फ बोलने से काम कंप्लीट नहीं होता उसके लिए एक्शन भी करना पड़ता है है ना प्रूव दैट यू आर डिटामाइंड फॉर आई ए एस पोस्ट और रोरिंग लायन किल्स नथिंग सिर्फ बोलने से नहीं होगा आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप डिटामाइंड हैं आई ए एस पोस्ट के लिए ठीक है क्योंकि जो आदमी बोलता है वो काम करता नहीं है काम करके दिखाओ तब मैं मानू कि आप हाँ आई इस बनने के लायक हैं ठीक है फिफ्टी अ ट्री इज़ नोन बाय इट्स फ्रूट सी मीनिंग है सक्सेस इज शोन बाय दी डीड्स अगर आप कहेंगे कि मैं आम का पेड़ हूँ आम का पेड़ हूँ आम का पेड़ हूँ तो कोई बिलीव नहीं करेगा जब तक कि उसमें फ्रूट्स ना आ जाए है ना जब तक कि उसमें फ्रूट्स ना आ जाए तब तक बिलीव नहीं करेगा अगर उसका स्ट्रक्चर भी आम के पेड़ जैसा है जैसे पत्ते होते हैं आम के पेड़ के डिफरेंट होते हैं दूसरे के डिफरेंट होते हैं लेकिन फिर भी उसका वैल्यू नहीं होगा जब तक कि वो फ्रूट जनरेट नहीं करेगा जब तक आम का पेड़ हमको आम नहीं देगा तब तक उसका वैल्यू नहीं होगा है ना? इसका मतलब यही है सक्सेस इज सोन बाय deeds. सक्सेस जो है वो काम दिखाने से ही झलकता है सिर्फ बातें बनाने से नहीं योर चाइल्ड इज वेल मैनर्ड रियली अ ट्री इज़ नोन बाई इट्स फ्रूट आपका बच्चा जो है वो बहुत ही वेल मैनर्ड है ये सही कहा गया है कि एक पेड़ जो है उसके फ्रूट से जाना जाता है मतलब उसमें ऐसे संस्कार डाले गए हैं जिसकी वजह से वो वेल well मैनर्ड है उसका मम्मी पापा का कैसा है नेचर ये भी पता चल रहा है और बच्चे का भी ठीक है फिफ्टी वन डोंट कॉल अ डॉग विथ अ विप इन योर हैंड आप किसी भी डॉग को ये मेरा है बोल के क्लेम नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज आपके पास चाबुक है ठीक है इसका मतलब है फोर्सफुली कोई काम कराना या फिर किसी का लीडर या मास्टर बन के रहना कुत्ते को और एनिमल्स को जो सर्कस में रहते हैं उसको मार मार के बताया जाता है कि मेरी बात मानो मेरी बात मानो ठीक है इसीलिए उन लोग मालिक बन जाते हैं लेकिन जैसे ही ये एनिमल्स को मौका मिलता है वो वहाँ से भाग निकलते हैं ये इसलिए क्योंकि कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है चलिए मीनिंग देखते हैं इसका पीपल डोंट लिसन टू एन अग्रेसिव लीडर जो अग्रेसिव लीडर हैं जो कि मारने पिटने वाले वायलेंट नेचर के लीडर्स हैं उसको कोई नहीं सुनता है वो नहीं चाहता कि उसके अंडर में रहे बी काइंड टू योर सन डोंट जस्ट कॉल अ डॉग विथ अ विप इन योर हैंड आप अपने बेटों के साथ बेटे के साथ अच्छे से पेश आइए आप आपने जन्म दिया अपने बेटे को इसका मतलब नहीं है कि आप इसके पेरेंट हैं आपको पोलाइटली लविंगली उसको सही दिशा दिखाना चाहिए न कि चाबुक यूज़ करके या फिर जो स्टिक है वो यूज़ करके प्यार से कोई भी काम अकम्पलीट होता है और मार धाड़ से नहीं इसका मतलब यही है नेक्स्ट इज फिफ्टी टू I have been bitten by a setse fly. Pronunciation will be setse. Okay, setse fly का मतलब है जो कि वो fly जो कि animal और human के blood पे survive करता है. A person will continuously be a pest until you pay off a debt. एक जो इंसान है जिसने कि कुछ लिया है किसी से, जब तक वो उसको वापस न कर दे, तब तक उससे सटा हुआ रहेगा. ठीक है? मतलब कि ऐसा इंसान जिसने किसी को कुछ दिया है स्पेशली डेप्ट ठीक है जब तक वो डेप्ट पे ऑफ नहीं करेगा तब तक उसके साथ जोंक की तरह पैरासाइट की तरह लटका रहेगा जब तक वो नहीं देगा इसका मतलब यही है आई हैड अ वेरी गुड ओपिनियन अबाउट हिम बट नाउ आई हैव बीन बिटन बाय अ सेट से फ्लाई मुझे मेरा अच्छा ओपिनियन था उस इंसान के ऊपर लेकिन अब लगता है कि वो एक सेट से फ्लाई जैसा है इसका मतलब वो ब्लड और फ्लैश जब तक नहीं ले जाए जब तक उसका डेप्थ जो है वो मैं वापस ना कर दूँ तब तक नहीं जाएगा ओके नेक्स्ट इज़ फिफ्टी थ्री ओनली अ फुल टेस्ट दी डेप्थ ऑफ अ रिवर विथ बोथ फीट्स एक मूर्खी है जो नदी की गहराई अपने दोनों पैर अंदर डाल के देखेगा इसका मतलब अगर नदी गहरा है तो वो तो डूब जाएगा ना है है नहीं तो सी मीनिंग है इसका कंसिडर द कॉन्सिक्वेंस बिफोर मेकिंग अ डिसीजन मतलब जो डिसीजन है वो लेने से पहले दो बार सोचिए कि उसका रिजल्ट क्या होगा कॉन्सिक्वेंसिस मतलब उसका आफ्टर इफेक्ट उसका रिजल्ट ओके म्यूचुअल फंड्स आर नॉट फॉर ऑल डोंट इन्वेस्ट ऑल ओनली अ फुल टेस्ट द डेप्थ ऑफ अ वाटर विथ बोथ हैंड्स बोथ फीड्स इसका मतलब यह कि हर इन्वेस्टमेंट एक ही जगह मत डालो क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट एक जगह डालोगे तो नदी में दोनों पेड़ डालने के जैसा हो जाएगा मतलब कि पूरा लॉस हो सकता है नेक्स्ट इज फिफ्टी फोर द बेस्ट वे टू ईट एन एलिफेंट इज टू कट हिम अप इन टू पीसेस मतलब एक बड़ा चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक बड़ा सा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना पड़ता है सॉल्व अ प्रॉब्लम बाई हैंडलिंग इट अ लिटिल एट अ टाइम कोई प्रॉब्लम है बड़ा सा तो उसको सॉल्व करने के लिए उसको फ्रैगमेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा ताकि एक एक प्रॉब्लम्स का फ्रैगमेंट जो है वो सॉल्व किया जाए ताकि बड़ा सा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो योर मैरिटल इश्यूज़ आर ह्यूज बट द बेस्ट वे टू ईट एन एलिफेंट इज़ टू कट हिम अप इन टू पीसेस मैरिज का जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ा है लेकिन इसको धीरे धीरे करके सॉल्व करना पड़ेगा छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के सॉल्व करना पड़ेगा पहले मम्मी को राजी कराए फिर पापा को फिर जो भी बर्थ चार्ट में प्रॉब्लम से उसको सॉल्व करे उसके बाद में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा नेक्स्ट इज फिफ्टी फाइव द कमीलियन चेंज इज कलर टू मैच द अर्थ द अर्थ डिज नॉट चेंज कलर टू मैच द कमीलियन मीनिंग इफ यू वॉन्ट समथिंग टू चेंज इट शुड बी यू यहाँ पे देखिए जो छिपकली है वो अर्थ के साथ मतलब धरती के साथ मैच करने के लिए कलर चेंज करती है ये धरती नहीं है जो कि कमीलियन बनने के लिए कमीलियन जैसा दिखने के लिए चेंज होती है इसका मतलब है अगर कुछ अगर कुछ चेंज करना है या किसी को चेंज करना है तो वो खुद को है है ना नहीं ना कि बाहर वालों को लेट हिम कम एंड टेक द डॉक्यूमेंट्स आफ्टर ऑल द कमीलियन चेंज इज कलर टू मैच द अर्थ द अर्थ डज नॉट चेंज कलर्स टू मैच द कमीलियन मतलब इसका दूसरा मीनिंग ये भी होता है कि जिसको ज़रूरत है वो पास में आए जिसको ज़रूरत नहीं है वो क्यों किसी के पास जाएगा है ना यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए उसको खुद को आना पड़ेगा न कि जिसके पास है वो जाएगा राइट नेक्स्ट इज फिफ्टी फोर द वर्ड ऑफ फ्रेंड मेक्स यू क्राई द वर्ड ऑफ एन एनिमी मेक्स यू लाफ देखिए जो फ्रेंड्स की बातें हैं वो रुलाते हैं जबकि एनिमी की, की बातें हंसाते हैं इसका मतलब ये है कि फ्रेंड्स कड़वाहट बोलते हैं लेकिन सच बोलते हैं वो कड़वाहट में उन लोग सजेस्ट करते हैं कि जो हम लोगों का फ्लॉज है वो इम्प्रूव हो लेकिन एनिमी हम लोगों की तारीफ़ करेगा ठीक है हर तरह से तारीफ करेगा ताकि हम लोग खुश होएं और जो उन लोगों के साथ में रहे राइट ताकि हम लोगों का इम्प्रूवमेंट ना हो मीनिंग देखते हैं अ फ्रेंड विल टेल यू ट्रूथ which sometimes hurts but an enemy will only lead you down the wrong path by giving you advice that seems good but is not theek hai enemy jo hai wo aise aise suggestion dega और बोलेगा कि हाँ ठीक है सब कुछ ठीक है हाँ अच्छा कर रहे हो ठीक है ऐसे ही इंसान को अल्कोहल का जो ड्रग्स है ये सब का आदत लगवाते हैं जो एनिमी है इसलिए हम लोग को अच्छे से चूज करना है कि कौन हमारे फ्रेंड्स हैं और कौन एनिमी है ठीक है डोंट मिसअंडरस्टैंड योर फ्रेंड्स द वर्ड ऑफ फ्रेंड्स द वर्ड ऑफ फ्रेंड मेक्स यू क्राई द वर्ड ऑफ एन एनिमी मेक्स यू लफ सो आई होप दीज आर क्लियर सो आई हैव डन विद प्रोवर्बस फॉर टूडे एंड इन माई नेक्स्ट प्रोवर्ब आई विल डील विथ इंटरनेशनल प्रोवर्ब्स सो टिल देन वी मीट प्लीज टेक केयर एंड कीप स्टडिंग To crack the examination. Thank you everyone. All the best.